देश में सर्दी बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपट चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहरा कितने प्रकार का होता है? चलिए बताते हैं आपको। कोहरे को आम भाषा में जमीनी बादल कहा जाता है, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। पहला एडवेक्शन फॉग तब बनता है जब किसी ठंडी सतह के ऊपर नमी वाली हवा गुजरती है। इसे जमीन के ठीक ऊपर आसपास के इलाके में कोहरा दिखता है, अक्सर तालाब, झील और घास के मैदानों में सुबह सुबह दिखता है। दूसरा रेडिएशन फॉग अक्सर जमीन या घाटियों में दिखने को मिलता है। ये बहुत ही नियंत्रित माहौल में बनता है, यानी जमीन से निकलने वाली रेडिएशन से हवाएं ठंडी होती हैं, तापमान गिरता है, ऊपर से गुजरती हुई नमी वाली गर्म हवा मिलती है तो कोहरा बन जाता है। तीसरे नंबर पर आता है अपस्लोप फॉग। ये तब बनता है जब किसी ढलान वाली जगह से हवा ऊपर उठती है। असल में ये स्ट्रेटस क्लाउड बनाते हैं, ये आमतौर पर बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में बनते हैं। चौथा है स्टीम फॉग। ये धरती के उत्तरी इलाके में बनता है। वहाँ पर कोहरा इसलिए बनता है क्योंकि बर्फ से निकलने वाली भाप जमने लगती है। ये झीलों, तालाबों पर दिखाई देता है। पांचवें तरीके का कोहरा है फ्रंटल फॉग। इसमें कई तरह की सब कैटेगरी है, यानी ये कई तरह से बन सकता है। कॉल फ्रंट पोस्ट फ्रंटल फॉग और फ्रंटल पैसेज फॉग प्री और पोस्ट फॉग तक बनता है जब किसी सर्दी वाली जगह पर बारिश होती है। फ्रंटल पैसेज कई तरह से बन सकता है। आखिर है आइस फॉग, यानी इसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। ये बहुत ज्यादा सर्दी वाले इलाकों में बनता है जहां तापमान -29 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा नीचे गिरता है।